मतलब एवरीबडी इज एन इंस्पिरेशन एक सेंस में तो, बिकॉज कुछ ना कुछ सीखने को परिवार के हर इंसान से है. दो टाइप के होते हैं हर परिवार में लोग, या तो जिनसे सीखने को मिलता है व्हाट टू डू, व्हाट हाउ टू टेक लाइफ, कैसे आप जिंदगी जी सकते हो, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए. दूसरे होते हैं व्हाट नॉट टू डू, हाउ नॉट टू बिकम. प्रोपोर्शन, चाय पत्ती, दूध, पानी, चीनी. चीयर्स. और जो वक्त लगता है बनने में, उफ. Nothing beats chai. Nothing beats chai, bhai. But the thing is, I am having coffee right now. अच्छा जब आप चाय पीते हो या कॉफी पीते हो, एक तो ये स्टाइल है, ठीक है, एक ही है. इसमें मजा है. फील रहा है. इसमें मजा है. ऐसे ऐसे मजा पता है किसमें? चाय में. कॉफी, कॉफी में कौन पीता है ऐसे? नहीं, कॉफी पियोगे ऐसे फिर तो दुनिया क्या बोलेगी, आपको पता है ना. एक मेरा दोस्त है, हाँ, वो जब ग्रीन टी पीता था ना और उसको वेट लॉस करना था, वैसे करता था. मैं पतला हो रहा हूँ. मैनिफेस्टेशंस. या सो पंडित जी, मैंने कुछ, मेरे को एक्चुअली याद नहीं रहते, तो मैंने ऐसी इसको बस, डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट एक कान से निकालो, एक से जाने दो, एक से डालो, एक से जाने दो. पंडित जी शुरुआत से चलते हैं. शुरुआत से चलो. व्हाट्स योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? चाइल्डहुड मेमोरी बहुत सारी हैं यार. फेवरेट तो कौन सी बताऊं मैं. फेवरेट एक बार जब मैं मैं सीढ़ियों से गिर गया था, एक बारी फ्रैक्चर हो गया था मेरा, वो है फेवरेट मेमोरी मेरी. कैसे फेवरेट कैसे हुई है? क्योंकि दो बार हुआ है मेरे साथ ये सेम चीज, एक ही जगह, एक ही स्पॉट पे, एक ही जगह दोनों बार लगी है. तो डेजा वो हो गया, मतलब इन रियल लाइफ. शिमला में? शिमला में भाई. अमेजिंग. उससे फिर जो आराम होता है ना बाद में, पड़े हुए बिस्तरे पे, वो बेस्ट है. तो फेवरेट मेमोरी है. थोड़ा सा रूम कम कर दूं? कर दो. मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है रूम. ठीक है भाई. हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हॉल में बैठे हो. हाँ, हॉल में बैठे हो. ऐसा लग रहा है जैसे 6 स्पीकर है, सब में से वाइट नॉइज आ रही है. मेरा दो, वो अपना मेरे कॉलेज में दोस्त था, तो वो जब एक दिन टैंकी पे चढ़ गया, उसको शक्तिमान बनना था, कूद गया टैंकी से. ओहो. उसके कटोरा नहीं फूटता वैसे, उसका सर फूटा था, वैसी आवाज आई थी, उसके घर वाले बता रहे थे, बट ठीक हो गया वो, कोई सीन नहीं उसका. अच्छा, दैट्स योर फेवरेट मेमोरी, व्हेन यू फेल एट वन प्लेस ट्वाइस और इन द सेम मैनर. बेसिकली जब मेरे, आपको भी होता होगा, लोगों को भी होता होगा, जैसे ना जब बच्चे होते हैं, हम छोटे होते हैं, तो किसी की अगर घर में गाड़ी आ रही है, जैसे पापा की गाड़ी आ रही है, तो हॉर्न पता होता है कि किसकी गाड़ी है, तो एक्साइटमेंट में बंदा मिलने जाता है कि आ गए पापा, आ गए. तो मैं गया ऐसे ही मिलने, गिर गया मैं. दोनों बार सेम यही हुआ. पापा आ गए और गिर गया मैं. सो आपका ट्रिगर था वो हॉर्न? हाँ, नहीं हॉर्न, हाँ, बट क्योंकि वो पापा की कार का हॉर्न है, तो हर बार मिलने जाना है. आ गए फिर वो गिर गया. तो मेरे को अब तब तो नहीं था फन, अब मैं सोचता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि चाहे, हाँ भाई, स्वीट है, यादें बन गई. जब आप, यू रिमेम्बर व्हेन यू हिट द फ्लोर और व्हाटएवर, योर नी लगी थी, क्या लगा था? एल्बो लगी थी. वो दर्द कैसा लग रहा था? रोने का मन कर रहा था. वैसे हम तो रो देते ना, आजकल हमको कोई चोट लगे तो हमको, वी लाइक टू एंजॉय द पेन. लाइक मुझे कुछ लग जाए तो मेरे को ऐसा होता, ओह आई लव दिस पेन यार, वाओ. याद रहेगी. हाँ, मतलब मैं तो पेन को एंजॉय करता हूँ बहुत ज्यादा. नो पेन नो गेन. वाओ. एक और है मेमोरी मेरी फेवरेट,
वो भी कोइंसिडेंटली फ्रैक्चर से रिलेटेड है, बट वो बड़ी सही है. आई थिंक आफ्टर दिस थिंग यू शुड गो इन जॉइन फ्रैक्चर गैंग. तो मेरे कजन है, आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ बैड जोक. मेरे कजन है, तो वो रेसलिंग आती थी तब WWF होता था, बच्चों को नहीं पता होगा. जैसे उनको जीरो पीरियड है, वो सोचेंगे जीरो पीरियड क्या होता है. बच्चों जनरेशन जी को नहीं पता ना जीरो पीरियड क्या होता है. तो वैसे ही वो था, क्या कहते हैं, WWF होती थी, तो उसमें वो चोक स्लैम होता है ना, अंडरटेकर देता है चोक स्लैम, केन देता है चोक स्लैम. तो मेरा तो मैं हाँ तो मेरे कजिन देख रहे थे वो, और मैं था बच्चा. तो मैं कली भाई का नाम था भैया, तो उन्होंने दे दिया मेरे को चोक स्लैम यार. कजन ने एक कजन ने, मुझसे 7 साल बड़ा है वो. लेकिन वो क्या कहते हैं मैं तब बच्चा था, वो थोड़ा बड़ा था मुझसे, लेकिन बच्चा तो वो भी था. WWF देख के उसने देखा, अच्छा ये बैठ रखा है यहाँ पे, पकड़ो इसको, दे धर दो इसके, यही तो है लैब रैट. पकड़ा उन्होंने, धर दिया. मैं हवा में हूँ और रिफ्लेक्स क्या करेगा एक बच्चे का, मैंने यूं कर दिया हाथ नीचे सपोर्ट में और वो टूट गया. सेम एल्बो 3 बार. क्या बात है, 7 सालों के घर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है. 5 years and counting. That's why I think I said 9 a.m. So if we started at 9, no. Then we would have finished at by 10. हाँ. और तब ये C start होना था. ये तो 8 o'clock वाली भाई है. No bro. See 10:30 it started. इससे पहले हम बैठे थे शांति में, कुछ नहीं था. तो टूट गई बाजू. You want to continue this? हाँ. हाँ. पक्की बात है. हाँ. चलने देते बीच में भी. और B&M. काट देना बाद में. नहीं चलने देते हैं यार, आता रहेगा, कोई बात नहीं, भारत है भाई ये. हाँ सॉरी कंटिन्यू. फिर वो टूट गई. मुझे बोला भैया बताना मत किसी को. क्या टूट गई? बाजू. मैंने यूं रखी ना ऐसे. उन्होंने मेरे को हवा में दे दिया. अब मैं या तो पीठ के बल हो जाता चोक स्लैम, वो चोक स्लैम हो गया 101 कंप्लीट मिशन. मैंने हाथ रख दिया बीच में हवा में, तो फोर्स तो जा ही रही थी, टूट गया हाथ फिर से. तीसरी बार सेम चीज, सेम जगह, सेम एल्बो, सेम हाथ. और मेरे को बोला भैया बताना मत, कहना गिर गया मैं. तो घर वालों के लिए भी 3 बार गिरा मैं सीढ़ियों से. अच्छा फिर वो कभी नहीं बताया ना, राज है वो, अब खुलेगा वो राज. ओह शिट, कौन से कजन थे तेरे? ये बुआ के बेटे आयुष भैया. वाह यार ये कौन है? आई लाइक इट. फोली स्टूडियो में हम. आई लाइक दीज नॉइज़. भैया बताया नहीं कभी यार. स्टूडियो भी है पंडित जी, इतना मर्जी आप ट्राई कर लो टू अवॉइड दीज थिंग्स. जो किस्मत, आई एम एम्ब्रेसिंग इट, है ना. मैं एम्ब्रेस कर रहा हूं इसको. मैं भी करूं फिर. करना चाहिए आपको, 4 साल से तो कर ही रहे हो. पंडित जी हाउ वाज स्कूल? स्कूल वाज गुड यार. मैंने एक स्कूल से नहीं पढ़ा, मैं बहुत सारे स्कूल से पढ़ा हूं क्योंकि पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे. सो आई स्टडीड इन लाइक 4-5 स्कूल्स, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग वाइब्स, अलग अलग लोग, अलग अलग दोस्त, इतने सारे दोस्त, अमेजिंग दोस्त तो बहुत बने होंगे यार. पता मैं बड़ा इंट्रीग्ड हूँ कि हाउ वाज स्कूल इन शिमला. लाइक इधर हम जब स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियसली या तो गाड़ी में जाएंगे या बस आएगी, और वहाँ मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जाते होगे पैदल, कैसा था? हाउ वाज पहाड़ों में चढ़ना उतरना स्कूल जाने के लिए, फिर वो कोई एक मीठा सा सांझा होना किसी के साथ और फिर उसको याद करते हुए जाना देवदार को देखते हुए, तो ऐसी कोई है स्टोरी? बहुत सारी हैं. कोई एक आधी शेयर करो यार स्कूल की, कोई इंटरेस्टिंग सी, फनी सी. 2-3 दोस्त होते थे हम और आसपास ही रहते थे, तो हम जाते थे स्कूल में. भारी सा बस्ता होता था, बस्ता कहते थे. बस्ता होता था. Cool word है ना? बस्ता. सारी कॉपीज लानी है. अब ये तो टाइम टेबल तो अब हुआ है, पहले तो सारी लेके आनी है भाई, सारी लेके आनी है चाहे टाइम टेबल जो भी हो. मतलब टाइम टेबल अगर होता भी था, घर वाले तो सारी भेजते थे ना. मैं वो पैक करके. हाँ तो हमने तो बड़ी लेट पैक करना शुरू है. मेरा तो घर वाले करते थे, मम्मा करते थे पैक. उन सारी डाल देते थे, वो तो ऐसे झुक के चल रहे होते थे हम. तो मेरा घर फिर भी पास था, आधा घंटा लगता था बस पैदल, और जाने में लगता था आधा घंटा, उतराई होती थी, आते हुए टाइम लग जाता था, लेकिन फील नहीं हुआ कभी, मजा आता था.
तो दो तीन दोस्त होते थे हम, अब पता नहीं कहाँ है वो, शादी हो गई होगी शायद सबकी, अब तो अभी दिखते नहीं है वो। और हम जाते थे और दप्पे मारते हुए आते थे। अब मैं सेम रास्ते पे गया थोड़े दिन पहले वापस, तो अब वहाँ घर बने हुए हैं, वहाँ पे खत्म है, जंगल कोई नहीं है, पेड़ कोई नहीं है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, लोग, रस्ते, सब खत्म, अपनी वाली वाइब तो अब है नहीं। बट ये चीज तो देखो अब होनी है ना, बड़ा मतलब क्या करें। अब पता है क्या, मेरे साथ भी यही है, जब मैं स्कूल जाता था तो काली रोड्स होती थी चंडीगढ़ की, रेडियो पे भी अच्छे गाने चलते थे, रेडियो पे गाने चलते थे जो लोग बजा रहे होते थे। हाँ मतलब अगर नहीं भी बजा रहे थे तो एटलीस्ट क्वालिटी म्यूजिक तो था उस टाइम। मतलब मुझे याद है व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, हाँ, I was, the background music was A.R. Rahman's Taal. और I remember listening to Taal on cassette in the car. Same here, yeah. Cassette पे सुना हुआ है मैंने ताल, A.R. Rahman, Silk Route, और नई इंडियन ओशन नहीं सुना मैंने कैसेट पे, और कैसेट्स की मेमोरी है अच्छी है गाड़ी में। You want to play with this? But this is too noisy. Too noisy. It's like fidgety. But tempting है ये. इसको हटा दो. कुछ वो दूँ आपको fidget spinner type कुछ? नहीं नहीं नहीं. फिर वो fidget spinner featuring fidget spinner हो जाएगा ये. अच्छा एक बात बताओ कि जो शिमला जैसे अब तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से crowded है, but सही है. थोड़ा सा नहीं. Still it has character. A person who stayed there, lived there. तुम्हें तो ऐसा लगता होगा यार ये तो जा रहा है, ये तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है सारा का सारा। जैसे पर्सन लाइक मी हू जस्ट विजिट्स, मुझे पता है मेरे को आई वांट माय सोलेस, आई वांट व्हाटएवर, आई विल गो टू मॉल रोड, आई विल, और पता नहीं मॉल या माल क्या कहते हो तुम उसको, माल माल जाऊंगा, छोटी छोटी जगह है, बट यू आर सीइंग द पैरासाइट, दीमक, यू नो, यू आर सीइंग द पैरासाइट कैप्चरिंग द होल ग्रीन। बट यार पता है क्या है, मैंने देखा है, इट हैपेंस विद एवरी सिटी, एवरी प्लेस, लाइक you cannot live in that bubble. This absolutely, this I agree. This has to happen. I agree. Just embrace it, you know. Just embrace it. Like, avoid, ignore whatever you can. And just embrace the reality. Zindagi aisi hai, bhai. But theek hai, shahar us hisab se vibe hai. Shahar mein ek vibe hai. Shimla shahar mein ek vibe hai. Aap माल पे अगर जा रहे हो, ट्रू, 5 घंटे निकाल सकते हो वहां पे आप चलते हुए पैदल। आपको कोई ना कोई एक ही रोड है, उस पे आप चलते रहो पैदल, आपको दुनिया मिलती रहेगी, आप लोग मिलते रहेंगे, आप देखते रहो और आप गप्पे मारते रहो और आप चलते रहो, आपको पता भी नहीं लगेगा आप फिट हो, साथ फिट हो रहे हो साथ साथ, और भाई भाई ये चीज है, एक मौसम एंजॉय करो। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट थिंग इज एवरीबॉडी इज ऑन फुट, यू नो, एवरीबॉडी इज ऑन फुट, ऐसे गाड़ी में लाइट ही नहीं मार रहे, डिपर नहीं मार रहे, नहीं मार रहे। हालांकि मैंने ये बात बड़ी लेट नोटिस करी कि यार यहाँ गाड़ियां नहीं है। ये बात कर रहा हूँ मैं 11th 12th की, प्लस 1 प्लस 2 में मेरे को पता लगा कि गाड़ियां क्यों नहीं है भाई यहाँ मेरे शहर में, क्योंकि मैं मसूरी चला गया एक दिन, मसूरी का माल रोड है वहां पे भी है, मैंने कहा यार यहाँ पे तो गाड़ियां, मैंने कहा यहाँ क्यों है गाड़ियां और हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं है, तो फिर मैंने पता किया, पूछताछ की कि भाई गाड़ियां क्यों नहीं हमारे माल रोड पे, ऐसा क्या है पूरे माल रोड पे गाड़ियां नहीं, नीचे तो भरा हुआ है सिस्टम सारा। तो बाद में पता लगा जी कि वहां पे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक है जो ब्रिटिशर्स बना के हैं, बहुत बड़ा, आधे शहर को पानी जाता है वहां से, इट्स लाइक ह्यूज ह्यूज टैंक, चर्च के नीचे पानी का टैंक है पूरा। इंटरेस्टिंग, तो वो दब ना जाए इसलिए कार्स अलाउड नहीं, ओनली गवर्नमेंट व्हीकल्स। और दूसरा गेटी थिएटर है, गेटी थिएटर के साथ जो रोड है उसके नीचे गेटी थिएटर के रूम्स हैं जहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई है, जहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी ऑफिशियल पेपर वर्क है और बेसिकली कंपार्टमेंट्स रूम्स हैं। बड़ा अभी वो रिपेयर के लिए पूरा उन्होंने खोला था वहां से, जो पूरा वो क्या कहते हैं रोड है पूरी रिज माल रोड पे पूरा उन्होंने ओपन की थी और ऊपर से वो नीचे दिख रहे थे, तो मेरे मैंने तो फर्स्ट टाइम देखे थे कि अच्छा कमरे भी हैं नीचे।
So basically, they opened the road. Yeah. To renovate. Yeah. To renovate the rooms. और तुमने देखा अच्छा इसके नीचे तो कुछ rooms हैं भाई. इसलिए cars allowed नहीं है. Rooms हैं, पानी का tank है और fascinating. जैसे आपका कजन था तो ऑब्वियसली कजन आपकी जी लेता होगा बट सीखने को भी बहुत याद भी नहीं होगा उनको अब तो शायद अब याद आएगा उनको अरे हाँ इसकी तो बाजू तोड़ी थी मैंने कोई आपके परिवार में आपके दोस्तों में कोई ऐसा इंसान विच इज एन इंस्पिरेशन टू यू दैट यू सी यू लुक अप टू दैट पर्सन यार माय ग्रैंडफादर यार एंड मतलब एवरीबडी इज एन इंस्पिरेशन एक सेंस में तो बिकॉज कुछ ना कुछ सीखने को परिवार के हर इंसान से है दो टाइप के होते हैं हर परिवार में लोग या तो जिनसे सीखने को मिलता है व्हाट टू डू व्हाट हाउ टू टेक लाइफ कैसे आप जिंदगी जी सकते हो कैसा करना चाहिए क्या करना चाहिए दूसरे होते हैं व्हाट नॉट टू डू हाउ नॉट टू बिकम समझे बात तो ऐसे भी हैं भाई पर्सनालिटीज कॉमिक कैरेक्टर्स भैया अच्छा ये चीज नहीं करनी दूसरे हैं भैया हाँ ये चीज करनी है माय ग्रैंडफादर इज लाइक ऑन द टॉप ऑफ दैट्स ग्रेट कि हाँ यार लाइक एनी अदर वो जिन्होंने जैसे होता है एक जनरेशन में जो चेंज करता है ना एक मसीहा सबके लिए आगे तो ही इज द वन कोई एक आधी चीज जो आपने सीखी है उनसे जो यू वांट टू शेयर कि यार डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग if there is a solution, solve it or work towards it. Don't complain. That's the best attitude. हाँ, don't complain basically. जाने जाने में हम कभी कभी कर देते हैं ना थोड़ा बहुत. Don't crib, don't complain. And उससे ये चीज होती है जो मैंने अब देखी है होते हुए कि if you stop complaining, so that energy would be utilized in thinking about that particular problem. Eventually, it will lead to a solution. Rightly said. Energy तो जाएगी ना कहीं ना कहीं. अब आप उसको अगर बोलने में निकाल रहे हो, तो उसका solution नहीं निकलेगा. Eventually निकलेगा, but वो energy फिर आपको gather करनी पड़ेगी. वापस. आए ना आए. आए ना आए. Dependency create होगी. तो आप अगर उस energy को complain नहीं कर रहे, crib नहीं कर रहे, so you'll think about that problem because it is persisting. It's right in front of you. So, वो आप सोचोगे उस बारे में एंड यू विल ट्राई टू फिगर आउट समथिंग कि यार इसको मैं ना सोचूं इसके बारे में तो अगर आप इसके बारे में ना सोचना चाहते हो सोचना नहीं चाहते तो फिर आप इसके बारे में सोल्यूशन ढूंढोगे ना और निकलेगा कोई सोल्यूशन उसका और अगर सोल्यूशन निकलेगा तो यू विल फील हैप्पी सो यू विल रियलाइज कि दिस इज द राइट वे टू डू इट एंड आई हैवंट मेट योर ग्रैंडफादर येट बट उनका हिमाचली टोपी देखो एक तो हरी टोपी होगी एक होगी मेरून टोपी होगी आजकल ये हरी और मेरून का एक पॉलिटिकल डिफरेंस भी है आपके ग्रैंडफादर को मैंने बड़ी अलग विभिन्न अलग अलग प्रकार की टोपियों में देखा है हाँ. कोई कलर्ड एंड आई हैव सीन यू आल्सो वेयरिंग दोस सेम काइंड ऑफ हिमाचली टोपीज यू नो हेड गियर शोज पे वैसे भी तो उनका है वो कुछ हाँ इन्फ्लुएंस तो है ही है होता है ना होता है इन्फ्लुएंस यार और प्लस एक ये भी है कि बचपन से पहनी भी है देखी हुई भी है लोगों को पहने हुए सो व्हाई नॉट जस्ट यू नो वेयर इट इट्स लाइक योर कल्चर एब्सोल्युटली यू शुड एम्ब्रेस इट यू शुड कैरी इट या दिस वन टोपी आई रिमेंबर यू बॉट फ्रॉम सोलन मॉल रोड से और पता नहीं कोई याद नहीं उसमें थोड़ा चटाक ग्रीन है बहुत ही सही लगी मेरे को जीरो में पहनी थी जो जीरो में आपने डाली थी ग्रीन नो जीरो वाज कंप्लीटली ग्रीन राइट हाँ किनोरी ग्रीन हाँ नो दिस वन वाज अ हिंट ऑफ ग्रीन इन अ डिजाइन द ग्रीन वाज वेरी डिफरेंट ओके यस 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 यू रिमेम्बर हाँ थोड़ा सा उसमें बहुत सारी टर्कोइश शी ग्रीन था हाँ, जैसे आपके एनियर्स हैं वैसा वैसा था थोड़ा थोड़ा हाँ, थोड़ा हाँ, हाँ, इसका थोड़ा लाइटर वर्जन वो मेरे को वो अमेजिंग है वो है पड़ी हुई मेरे पास वो मेरे को बहुत कूल लगी और दैट रिमाइंड्स मी कि ऐसी कभी आप जा रहे हो जिंदगी में कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो किसी ने कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया हो दैट यू रिमेंबर यू वांट टू शेयर अबाउट द कैप व्हाट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर गॉटन
Tough question. You know what Shabat did? Usne ka, I don't know about the best. I know about the worst compliment that I've gotten. Haan, worst. I don't know how to take it. Pata nahi compliment lenge ya isko ya nahi. So I used to have long hair in college where I was studying. Mere lambe baal the aur mere baal thode wavy aate hain. Curly, Eddie Vedder vibes hai uski. Short perm kar diya maine. Aisa hai nahi waise. Thoda sa matlab. तो उसमें फिर दाढ़ी भी थी हाँ. तो मतलब वो एक वाइब थी. वाइब होती है, बच्चों की वाइब होती है. बिल्कुल. जैसे कुछ लोग शैबी बोलेंगे उसको. शैबी मेरी तरफ से तो नहीं थी वो. वाइब थी एक. ग्रूम्ड था सिस्टम सारा. क्या था? ग्रूम्ड. हाँ. ग्रूम पूरा. तो मेरे को याद है तो हमारी एक दोस्त है तो वो आई. उसने कहा कि तुझे क्या हो गया. मैंने कहा क्या हुआ. तो उसने मुझे बहुत टाइम बाद देखा था. तुझे क्या हो गया. मैंने कहा क्या हुआ. कहती तूने वो देखी है, ऋतिक रोशन लग रहा है. ऋतिक रोशन. मैंने कहा अच्छा, ऋतिक रोशन के तो नहीं है ऐसे बात. नहीं नहीं, गुजारिश वाला. तो उसमें वो चेयर पे बैठा रहता है ना, वो उसमें सिर्फ उसकी शक्ल दिखती है, उसके बाल अजीब से और वो शैबी से लोग. मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट है या क्या है ये. कहती नहीं नहीं पागल, क्या कहते हैं, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है. तो अब मेरे को समझ नहीं आया कॉम्प्लीमेंट बोलो इसको या क्या बोलो. कॉम्प्लीमेंट तो नहीं था. पंडित जी, व्हाट्स योर डेली रूटीन राइट नाउ? या यू शिफ्टेड टू चंडीगढ़ रिसेंटली? पंडित जी हैज शिफ्टेड टू चंडीगढ़, टू न्यू चंडीगढ़. व्हाट्स योर रूटीन लाइक? Yeah, I get up around 6:30 and I take my dog for a walk. And then I go for like 45 minutes and I come back and then I have breakfast, freshen up, and uske baad main try karta hoon workout karne ka. Lekin kai baar abhi aajkal flow nahi ban raha. Flow isliye nahi ban raha kyunki इट्स न्यू हाउस. अभी आदत नहीं है नए घर की, चीज़ें चली हुई हैं अलग अलग सी. तो अपना क्या कहते हैं, ट्राई करता हूँ वर्कआउट करने का, एक्सरसाइज करने का. एक्सरसाइज कर लेता हूँ, वर्कआउट नहीं कर पाता. और फिर उसके बाद हम आई ट्राई टू प्लान माई डे अकॉर्डिंगली. जैसे अगर मिक्सिंग कर रहे हैं हम 5 hours mixing, उस हिसाब से तो I try to manage my work before the mixing starts, you know, उससे पहले खत्म कर दो सारा. फिर go with the flow. That's how my days usually. कैसा लग रहा है नए घर में शिफ्ट होके? Amazing. Vibe? Amazing. माहौल? बहुत सही. अभी अभी आपका गृह प्रवेश हुआ ना? तो पूरा परिवार आ रखा है? Full. Good. Good. Family vibes are important. Full. और अब दिवाली थी और दिवाली के बाद अब थोड़ा फेड आउट है. अब ठीक है. तो जब शुरुआत में आप शिफ्टी हुए थे तो खाने को नहीं कैसा करते थे आप? खाने का खुद कर रहा हूँ. किचन पूरी रेडी? हाँ, नहीं पूरी तो नहीं. हाँ रेडी तो था. बट क्योंकि काम चला हुआ था ना, कंस्ट्रक्शन मेरी हॉबी है. कंस्ट्रक्शन मुझे अभी रियलाइज हुआ. सो बेसिकली योर हॉबी इज ठेकेदारी. ठेकेदारी में तो you don't have to do anything ना, you have to just sit back. I like to get involved. Nice. Like क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे करना है. अच्छा हाँ, कुछ थोड़ा बहुत खुद भी कर लो, कुछ नहीं कर लो, कुछ अरेंज कर लो, सुपरविजन भी कर लो, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए यार. पर जोक्स अपार्ट, एक चीज को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है और उसके पीछे भी एक आर्ट फॉर्म है. कंस्ट्रक्शन के पीछे भी. हाँ जी. तरीके से बनाओ, एक घर को बनते देखो भाई, वो एक अलग थेरेपी है मेरे हिसाब से. थेरेपी. Am I right or wrong? थेरेपी is the word. जैसे आप पैकिंग करते हो कहीं जाने के लिए. आपने सूटकेस लिया, आपने उसमें कपड़े डाल दिए. तो वो कई कई होते हैं, उनको टास्क लगता है भैया कपड़े डालना, पैक करना, अनपैक करना. मेरे को तो थेरेपी लगती है. मैं तो औरों के भी कर लेता हूँ, दोस्तों के. लाओ भाई कैसे करना है उसको ऐसे. क्योंकि अगर वो देखो ना, आर्ट फॉर्म है. आप अगर उसको डाल रहे हो कपड़ों को, आपको यूज करने हैं वो कपड़े. इवेंचुअली तभी तो पैक कर रहे हो आप. कहीं जाना है, अब हम गिग पे जाते हैं,
सूटकेस हमने पैक कर लिया अपना, अब जो यूज होने वाली चीजें अगर वो सबसे नीचे पड़ी हैं तो वो सारा खराब हो गया ना, वो तो वो तरीके से आपको वैसे डालनी है जैसे जैसे वो यूज हो रही है दिन बाय दिन, डे बाय डे, कि मैं इसको ऐसे ऐसे यूज करूंगा, हाँ, मैं इसको ऐसे यूज, इसको पीछे रखूंगा, यस, कि मेरे को रात को फिर पूरा अपना निकालना ना पड़े सुने, फिर उसके बैकअप होते हैं कि अच्छा मान लो अब मैं साउंड चेक पे जा रहा हूँ, साउंड चेक पे ये वाली टी शर्ट, अच्छा वहाँ गर्मी है, अच्छा हाँ अगर यहाँ पे बारिश हो गई है, गीली हो गई, एक्स वाई जी वर्कआउट कर लिया मैंने, तो मेरे पास एक बैकअप टी शर्ट होनी चाहिए, तो बैकअप टी शर्ट होनी चाहिए उसके साथ बिल्कुल यूज करने के लिए। अगर वो नहीं यूज हुई तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भैया वो दूसरी चीज को यूज करने के रास्ते में आ रही है तो उसको साइड में रखो वाला, इस तरीके से इट्स अ प्रॉपर मतलब थेरेपी, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंकिंग गोज बिहाइंड ऑल दिस, तो थेरेपी है ये चीजें पैक करना। अब गिग के लिए ड्रिल लिस्ट हमने बना ली, आइटनरी बना ली है, जो इन्वेंट्री हमारी बनती है कि इसके इस हिसाब से हमने डालना है, इस हिसाब से पैकिंग करनी, तो थेरेपी नहीं है वो, आप बताओ भाई साहब। एक थेरेपी भी है और मेरे हिसाब से ये सब करते हुए एक बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन आता है चीजों को लेके। अभी जैसे इसकी भी जो मैंने तैयारी करी थी यहाँ बैठ के, देखो आप लोगों का साथ तो है ही है, बट थोड़ा कागजी कार्रवाई जो करनी थी कि भैया पहले क्या है, ट्राईपॉड लाने हैं, ये लाने हैं, हर चीज का इन्वेंटरी बनाना, वो आप लोगों की संगत में रह के हुआ है ब्रो, तो ये इज हेल्पिंग हियर आल्सो, यू नो, एक एक तो हो गया हमारा प्लान, प्लान्ड ये चीजें करो, प्लान लाइफ प्लान मत करो, क्या बात। सुबह सुबह पंडित जी डीप मार गए, लाइफ का तो प्लान करो ही मत, लाइफ इज इज अनदर एंटिटी व्हिच इज कंट्रोलिंग यू, आई थिंक, है ना, डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, यस, जस्ट बी अ गुड पर्सन, जस्ट बी पीसफुल टुवर्ड्स अदर्स, हां, एनिमल्स, पीपल, अदर एंटिटीज, यस, है ना, बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम ऐसे मारते हैं एक स्किड और एकदम से हम उस चीज पे आते हैं कि इफ देयर वाज वन मील दैट यू कुड ईट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बर्गर्स, और मैं कह रहा हूं वो मील जिसको आप दिन में 36 बार खा रहे हो 50,000 खुशी खुशी फ्राइज कोक बर्गर्स। देखो पंडित जी, आप व्हेन यू से बर्गर्स, बर्गर्स हॉट मिलियन, हॉट मिलियंस का चिकन बर्गर, हां, फिर ना हॉट मिलियंस, तो हॉट मिलियंस का चिकन, चिकन बर्गर, चिकन इन अ बन, चिकन फिले, चिकन इन अ बन, दैट्स डिफरेंट, विद चीज़, आई डोंट नो, इट्स द सेम थिंग, बट पता नहीं क्यों इन्होंने अलग अलग नाम रखे, इट्स द सेम थिंग, नो नो नो, हाँ हाँ, चिकन फिले विद चीज एंड चिकन इन अ बन विद चीज इज द सेम थिंग, इज द सेम बर्गर, यू नो व्हाट, आई डिसएग्री, इट्स द सेम बर्गर, बट यू नेवर नो, यू मे बी राइट, इट्स द सेम बर्गर, देयर इज नो नोटिसेबल डिफरेंस, व्हाट्स द नेम, chicken in a bun, chicken in a bun, maybe the bun's different since they mentioned the bun, maybe maybe, but koi aise noticeable difference nahi laga taste mein, same hai, feel bhi same hai, ab pata nahi, ab tum shayad unhone hatai diya hai, ab it's like chicken fillet with cheese only, that's nice, and along with that, along with fries and coke, yaar ye to deadly combination hai na yaar, ye to wo hai, matlab aapka asar to nahi hai kya, sangat ka asar, sangat ka asar hai bhai, pandit ji, if I put a random rapid fire in front of you and I name another burger which I know that you like, the question is Rad's Shimla burger or Hot Millions chicken fillet burger or a chicken in a bun burger, situation hai bhai, khel gaye na aap, khel to main gaya but situation hai, main bata raha hu, main bata raha hu, ek side lijiye, main bata raha hu, agar main Chandigarh mein hu to fir obviously Hot Millions, अगर मैं शिमला में हूँ जहां कुछ नहीं है तो फिर राड्स, ब्रो राड्स इज किलिंग इट, राड्स इज किलिंग इट भाई, देयर आर थ्री प्लेसेस इन शिमला दैट आई अडोर, एक पहले वाला त्रिशूल, अब नया खुल गया है तो, बट जो भी है इक्लेयर्स वहां की, त्रिशूल, दूसरा है आपका वो सेंट बीट्स के सामने, कौन सा है, कैफे बडीज, आई डोंट नो अबाउट द फूड बट द द एंबियंस, यू नो द वाइब इज अमेजिंग, What was the name again? Buddies. 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 Like a dost. Chidiya or ya fir dost. Dost. Buddies. Buddies. Buddy apostrophe s. मेरे को पता क्या लगा, क्या नाम है उसका, Buddies. नहीं. एक अब हाँ, ये तो मैंने शिमला का बताया आपको. एक आपके यहाँ पे 17 में. वो है Buddies. वो Buddies है. Barbecue chicken. उसका भी बड़ा नाम है भाई. किलर है यार वो. मेरा दोस्त खाता था वहाँ से. सुतेश ग्रैड ने बताया था मुझे. Who?
सुतेज के डैड ने. एंड द थर्ड प्लेस व्हिच आई लाइक टू गो टू, वन वाज त्रिशूल, वन इज दिस बर्डीज, व्हाट वाज द थर्ड वन इन शिमला? आई थिंक द एम्बेसी रैड्स ब्रो. एम्बेसी If I'm sitting and working yahan pe where I need focus, or if I'm driving, or if I am, you know, doing something that requires focus. So black coffee, easy. Short le lo ya fir americano, but bahut kam. Wo doodh wali coffee nahi pasand mujhe yaar. Main kehta hu ek sunehri shaam hai, aap baithe ho table pe Shimla mein. और मैं नहीं कह रहा आप कॉफी पी रहे हो, आप एक बढ़िया सी मसाला चाय आपके टाइप की, बढ़िया मीठा, उसके अंदर आपको आहा मजा आ रहा है. और तो सामने वाली जो सीट है, जो कुर्सी है, वहां कोई बैठा नहीं हुआ. आप चाहते हो वहां एक इंसान आ जाए, तो कौन वो इंसान आप चाहते हो वहां हो जिसके साथ आप बतला सको? यार अब इसमें तो कुछ आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है. बात तो किसी के साथ भी हो सकती है. वो तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ. मेरे कहने का मतलब था, if you wanted to sip coffee with somebody, wanted to sip chai with somebody, would that person be एकदम से अभी आप अभी आ रहा आपके दिमाग में? आप आ रहे हो भाई, फिर तो यही वाइब पॉइंट हो जाता वहां पे. थोड़ा सा देखना माइक अपनी तरफ. सॉर्टेड है, परफेक्ट. अच्छा आप ही आ रहे हो, क्या बातें करते अपन यही सब हम. यार पंडित मुझे एक बात बता यार. भाई क्या व्यू है यार सामने, देख रहे तू भाई? क्या शहर है यार, क्या सनसेट है पंडित. जिसकी आप अभी एक्टिंग कर रहे हो तो एग्जैजरेशन की दुकान लग रहा है. नहीं भाई नहीं, अभी लोग रिलेट करेंगे. पंडित भाई देख रहा है तू? वाह वाह यार पंडित वाह. एक मिनट यार. इंस्पायरिंग यार, इंस्पायरिंग. अच्छा पंडित ये चाहिए. दिस इज मी पंडित. क्या बात है, नकल सही होता भाई. तुम तो एंजॉय कर रहे हो यार यहाँ पे. भाई तुम्हारे वाइब तो यार शहर ना, तुम्हारे शहर में वही ना, घास दूसरी साइड का अच्छा लगता ज्यादा. हाँ ये तो है. मेरे योगा टीचर ने मेरे को बताया था, पहले मैं बहुत आर मचाता था कि मेरे को सर मेडिटेशन करने यहाँ जाना है वहां जाना है. तो सर कहते थे कि संग्राम अभी हम जो कर रहे हैं उससे आपको धीरे धीरे यू रियलाइज यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन जस्ट सिट इन अ रूम वहां बैठ के तुम उन जगहें पहुंच सकते हो, यू नो यू कैन फील दैट यू आर इन सच एन एनवायरनमेंट. तब से मेरा वो कम हुआ है. क्या ज्यादा ट्रैवल करने का जो भूत है ना, घर में खुश रहना स्टार्ट हो गया मैं. बट लोगों को ये भी तो बताओ ना, आप जो साइकिलिंग करी थी आपने, उसका एक्सपीरियंस शेयर करो थोड़ा सा. तो भाई इन्होंने यहाँ से एक पॉइंट है जहाँ से हिमाचल, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो या चंडीगढ़ से जा रहे हो, एक पॉइंट आता है जहाँ से हिमाचल प्रदेश स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं परवानू. वहाँ पे एक रिजॉर्ट है टिम्बर ट्रेल, जहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, टिम्बर ट्रेल, वो जो रोप वे है, रोप वे है एक. तो उस रोप वे से यू बेसिकली ऑफिशियली एंटर हिमाचल. सो वहाँ से सोलन इज अराउंड आउमा कितने किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर, 40 less than approx. 40. So this guy cycled from that point uphill to Solan in 3 hours. Yeah. What an experience. अब गए हो तो लेके भी तो आनी है ना साइकिल. पंडित जी जब मैं ये कर रहा था ना, मेरे को ये था ही नहीं कि I have to reach the destination. I was constantly trying to tell myself कि enjoy this process, you know. अभी क्या है, मैं एक मोड़ पे चले जाऊंगा, एक मोड़ पे कहूंगा आह मजा आ गया यहाँ तक पहुंच गया मैं, what effort. और सामने मुझे एक और दिख रहा है पहाड़ चढ़ने के लिए, कि ये वो वहां भी पहुंचना है भाई. हाँ मैंने कहा इस पे ले तो लूप है, यू वहां से वहां लगेगा, फिर मैं तो चाइना पहुंच जाऊंगा ऐसे. सही बात, चाइना के बाद फिर तुम थोड़ा और आगे चले जाओगे, डेजर्ट
मंगोलिया, रशिया, वहां फिर पानी का वो आ जाएगा ऊपर वाला, कौन सी सी है वो? बर्फ भी आ जाएगी ऊपर वाली सी, कौन सी है? आर्कटिक है ऊपर तो, दैट्स आर्कटिक सी, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। अच्छा मुझे लगा वहां पे आर्कटिक सर्कल बेसिकली, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल। या या आपको पता है रशिया के ऊपर आर दोज द ओशन, इज दैट सेलेबल? Like sailable, but in a very harsh, very harsh conditions. Like जो वहाँ पे वो जाते हैं सिर्फ जिनको expedition हो गए और आपके marine biologist हो गए आपके, sailable तो है but बर्फ है। Basically किसी को कोई काम है अगर specifically वहाँ पे तो जाते हैं शायद, घूमने नहीं जाते। Yeah, so coming back to where was I? हाँ कि भैया वहाँ पे तो मेरे को ये था कि यार enjoy this journey, you know, just stop thinking about where to reach। हाँ अब था वो कुछ परसेंट मेरे दिमाग में था कि नहीं मेरे को पहुंचना है एक जगह पे, but it was a humbling experience। Like another person in my gym had done the same thing, he'd driven from in Punjab from I don't remember this place, from some point to another point 250 kilometers up and down। उससे भी जो मेरा डिस्कशन हुआ इस चीज का, ही वाज लाइक कि द होल एक्सपीरियंस इज वेरी हम्बलिंग। और जब मैंने किया आई रिलेटेड टू व्हाट ही सेड, यू नो कि गाड़ी में बाइक पे आई एम श्योर इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, रिस्पेक्ट टू ऑल द बाइकर्स एंड द कार ड्राइवर्स एंड व्हाटएवर, बट साइकिल पे मेरे को इट वाज एन हम्बलिंग, इट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई हैव सेड दैट ऑलमोस्ट 6-8 times 9। या एंड द रिटर्न जर्नी वाज वेरी सिंपल, इट वाज ऑल डाउनहिल। And I remember जब मैं वापस आ रहा था, I had no helmet, I had no, मुझे ही रुक जाना चाहिए नहीं तो थोड़ा सा scandalous हो जाएगा। नहीं नहीं आप बताओ यार। But वापस वाली journey में ऐसा था कि मेरा focus बिल्कुल बना हुआ है and I was dodging cars like anything, बड़ी बड़ी गाड़ियों को, ट्रकों को मैं right से overtake कर रहा हूँ। Who would do that? जनता अगर तुम वापस मेरे को दूसरी वाली साइड से क्रॉस कर रहे हो तुम कहोगे यार क्या पागल सा घूम रहा है यार। सही बात। But for me time had slowed down. I knew what I was doing. It wasn't anything out of my control. Obviously, that I felt that things were under my control. Maybe they were not. Sahi baat. But I was like, I know what I'm doing. You know, I was in a great speed. But I knew that I had to, I can easily steer here and there, whatever. So, sahi tha. Amazing experience ho gaya. Aapke liye yaadein ban gayi. Mere ko aisi cheezein aur bhi karni hai. Mere ko na, karni hai aisi cheezein aur. Karni chahiye bhai. Hai na? Bilkul. बिल्कुल करनी चाहिए। शिमला टू, एक बार मैंने शिमला टू चंडीगढ़ साइकिल करी थी, वो बहुत इजी था। मतलब डाउनहिल तो कुछ भी नहीं है, वो इतना इजी था। मेरे को साइकिल को लिटरली सोलन से पहले यहाँ चढ़ा के कम से कम मैंने 5 किलोमीटर ऐसे चला हूं मैं, ताकि थोड़ा शोल्डर हो जाए कुछ, काम हो जाए कुछ जिंदगी में। कंडा घाट पे गया था आपने? हाँ सोलन से, हाँ कंडा घाट के बाद सोलन से पहले, कि मैं थोड़ा यार उठा लूं, ये तो जोर ही नहीं लग रहा। दिस इज लेजर, डाउनहिल तो कुछ भी नहीं है। हां मैं इतनी दूर ये करने नहीं आया, उसको उठाओ थोड़ा सा। अच्छा हमारी साइड स्लैंग भी चलते हैं, जैसे कि जैसे अब ऊपर नीचे वाले, पता है आपको ये? अरे परे, ये अरे परे तो हो गया, दिस साइड दैट साइड, अरे इज दिस साइड, परे इज दैट साइड, ये भी है। और ऊपर नीचे हो अगर आप ऑल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में, सोलन हो अगर आप, या चंडीगढ़ हो और मैं शिमला हूँ, या फिर अगर मैं यहाँ पे भी हूँ और अगर मेरे को शिमला के रिस्पेक्ट में बात करनी है किसी से, तो वो दैट इज ऊपर, ये नीचे है। तो ऊपर कब जा रहे हो, नीचे कब आए? ऊपर वाला बुलाएगा तब जाएंगे। ऊपर कब जा रहे हो, कब 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 आए ऊपर से? What is Parwanu to you? नीचे? अभी तो यहाँ के हिसाब से तो ऊपर है। You're living in Shimla. What is Parwanu to you? नीचे? नीचे? हाँ। What is Thyog to you? Thyog शिमला के कंपैरिजन में, ऐसे हम बोलते हैं ऊपर है, लेकिन ऑल्टीट्यूड वाइज वो शिमला से शायद नीचे। तो तुम बोलते ऊपर हो? हम बोलते ऊपर है क्योंकि अपर शिमला पड़ गया ना यार। फागु ऑनवर्ड्स इट्स अपर शिमला, हिल रोडू, फागु ठेोग कुफरी और ये सारा अपना कोटखाई जुब्बल गुमा छैला रोडू। Say that, say these names again. कुफरी फागु चौपाल 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 इज नीचे राइट? नहीं चौपाल इज ऑल्सो ऊपर फॉर यू। या चौपाल इज वैसे नीचे? नहीं 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 नहीं, वैसे इट्स चौपाल ऐसे है ना, तहसीलें हैं ये शिमला की, और ये बहुत, अब जैसे कोटखाई है, कोटखाई गुम्मा इज आल्सो कोटखाई,
एंड इट्स लाइक अराउंड 5,000 फीट शिमला से तो बहुत नीचे है बट दैट इज कोटखाई एंड कोटखाई अब बागी भी है बागी इज एट लाइक 8,000 प्लस सो कोटखाई में बहुत मतलब पहाड़ है ना भाई नीचे भी कोटखाई है ऊपर भी कोटखाई है अब हमारे काल्टा जी हैं उनका बगीचा 8,000 पे काल्टा हु अक्षय काल्टा आई डोंट नो अक्षय काल्टा बाय द नेम ऑफ दिमित्री द्रोवेत्स्की इज फ्रॉम रशिया इज अ स्पाई आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट हां सो दिमित्री द्रोवेत्स्की या दैट गाय हां ही ओनली लाइक्स चीज गार्लिक नान या विद डाइट कोक एंड मीट डू यू हैव चीज गार्लिक नान मीट कंटिन्यू सो दैट गाय उसका अब 8,000 ही इज आल्सो फ्रॉम कोटखाई His altitude is at 8,000 feet. उसको देख के लगता है he's from beyond. Yeah. ये वो Alexander वाला system लग रहा है मेरे को. No, no. ये Alexander system है काल्टे का. Alexander है. ये है सुपुत्र. हाँ 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 full. हम हमको याद है Calcutta से हम वापस आ रहे थे. Amazing guy and Calcutta will also be here very soon. Calcutta से हम वापस आ रहे थे. तो आप भी थे. जनता को बताते हैं थोड़ा सा. Airport पे थे भाई हम. और वहां पे हम देख रहे हैं सारे बैगेज काउंटर पे अक्षय जी गए हुए हैं सामने किसी से बात कर रहे हैं रैंडम और हम देख रहे हैं किससे बात कर रहा है और मैं हम तो जानते नहीं है इसको तो हम देख रहे हैं दूसरे काल्टा जी लगे हुए हैं कॉन्वर्सेशन में फिर हमने कहा हंसते हुए आ रहे हैं उसमें आंखें दिख नहीं रही उनकी जब वो हंसता तो उसकी आंखें नहीं दिखती ना तो आ रहा है मैंने कहा काल्टे क्या कौन था भाई कह रहे पता नहीं यार उसको लगा मैं रशियन हूँ और या पता नहीं क्या मैं आई वाज जस्ट प्लेइंग अलोंग लोग थोड़ा किसी और चीज पे जा रहे हैं उनको ये पार्वती एक्चुअली ये पार्वती नहीं पता किसी को ऐसा लग रहा है वाज हाई और ऐसा कुछ नहीं था हाई तो थे आप हाई वो हाई ऑन समथिंग एल्स समबडीज कंपनी या ऑलमोस्ट देयर या तो काल्टा जी को हमने पूछा गांव कौन थे कह रहे हैं उसको लगा मैं और उसके साथ बहुत किस्से हुए हैं ऐसे कि भैया पीपल मिस्टेक हिम टू बी अ फॉरेनर रशियन एंड देन ही प्लेज अलोंग वो फोटो लेके गया उसके साथ यार वो सेल्फी सुल्फी हमें तो तब पता लगा ना तू सेल्फी ले रहा है काल्टे क्या था भैया ले गया यार उसको लगा तो ठीक है तो पंडित जी आजकल आप टीवी तो बहुत कम देखते हो मैं देखता ही नहीं बट नेटफ्लिक्स देखते हो चुप के रात को 2 बजे बहुत कम बट आजकल क्या चल रहा है आपका व्हाट्स योर फेवरेट मूवी और व्हाट आर यू वाचिंग या मैंने लास्ट मूवी पता है कौन सी देखी है कोई ऐसी मूवी व्हाट्स योर फेवरेट मूवी Or maybe you may have 100 movie favorite movies. But मैं बता देता हूँ latest जो मैंने last देखी थी 90s की अंदाज अपना That's a favorite movie. That is a movie that I liked to watch. मतलब अगर 10 साल में एक बार देख लो तो बुरा नहीं लगेगा उसको देख सकते हो Fun है वो और अगर आप देखोगे ना आप उसको अब आपको पता लगेगा उसमें बड़े comic references हैं मूवी में वो उसकी जो सिनेमाटोग्राफी है वो बड़ी कॉमिक वाली है लूनी टून्स वाली है लूनी टून्स पता है आपको मतलब ओवर एनिमेटेड बट इट्स नॉट एनिमेटेड या बिल्कुल लाइक दैट वो क्राइम मास्टर गोगो वाला वो जो करता है वो दैट इज लाइक इट डजंट हैपन इन लाइक मूवीज नो लाइक इन बॉलीवुड स्पेशली उस टाइम तो नहीं होता था एंड दोज बैकग्राउंड इफेक्ट्स बैकग्राउंड स्कोर जो है उसका और वो आवाज़ें मतलब वो अब देखोगे ना वो ऐसा लगता है बड़ा कॉमिक रेफरेंस है उसमें बहुत ज़्यादा रोड रनर वाइब्स है उसमें हाँ और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ एक मूवीज जो मैंने हॉलीवुड की देखी है मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लाइक ऑल दिस डांस सीक्वेंस आई सॉ दैट इंट्रो यू सीन लाला लैंड उसमें जो इंट्रो डांस सीक्वेंस है मे बी आई थिंक द डायरेक्टर टुक अ सॉर्ट ऑफ अ कलरफुल इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियन फिल्म इट डजंट हैपन इन हॉलीवुड नो डांस सीक्वेंस सेलिब्रेटिंग लाइक यू नो एंड बहुत इट वाज वेल शॉट और पता लग रहा था कि दे वर सेलिब्रेटिंग यू नो इट वाज ऐसा था कि वेलकम टू दिस मूवी
उस मूवी के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये हम जो कह रहे हैं पेड़ के आसपास दौड़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो ठीक है यार, ठीक है और क्या, कूल है। मेरे को तो कभी कभी बहुत ट्रिपी लगता है। इनफैक्ट बहुत सारी क्लिप्स तो हमने अपनी म्यूजिक वीडियो में भी ले रखी थी फ्रॉम म्यूजिक वीडियो। पंडित जी, हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू म्यूजिक? व्हेन वाज द फर्स्ट म्यूजिक फेस ऑफ विद यू? लाइक द इंस्ट्रूमेंट थिंग और लाइक द ऑडिबल? ऑडिबल, ऑडिबल यार, मैं मेरे पापा लाए थे सिल्क रूट की कैसेट। थैंक यू अंकल। और उन्होंने गाड़ी में लगाई वो, मैंने कहा ये क्या बजा। और हम आ रहे थे, याद है मेरे को उस टाइम, बड़ा अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, पहाड़ों में ऐसे बड़ा हाईफाई सिस्टम नहीं होता था, बड़ा लोनली सी रोड्स होती थी। तो हम कुफरी से आ रहे थे सोचो, और रात को 10-11 बजे आ रहे हैं। अब जैसे 10-11 बजे आउटलेट्स दिख जाएंगे आपको, खाने पीने का सिस्टम दिख जाएगा, गाड़ियां चल रही होंगी, पहले नहीं होता था ऐसा। चांद तारे ओनली, चांद तारे, मूनलाइट, और अगर कोई लेपर्ड दिख गया तो दिख गया, फॉक्स, ये सब चीजें, जंगल। तो हमारे हैं भाई 10, 10:30, 11 बजे शादी से, और वहां पापा ने लगाई सिल्क रूट की कैसेट। ये क्या बजा उस टाइम, बड़े माहौल में वो बड़ी अलग हिट करी थी। हालांकि वो पड़ी होगी और वो सुनी भी होगी शायद मैंने, बट वो चीज मेरे को अभी भी याद है। मूनलाइट में विंडस्क्रीन है, मैं बैठा हूँ और कैसेट चल रही है, गाना चल रहा है, मोहित चौहान गा रहा है, और भाई ये क्या म्यूजिक है भाई, वो माहौल में अलग हिट किया सिस्टम। तो वो तो फर्स्ट ये था कि ये सुना क्या मैंने, पहला तो वो है। और बाकी मैंने क्या कहते हैं, जब सो मैंने आई हैव स्टेड इन बरेली ऑल्सो, तो वहाँ पे बेसिकली कहते हैं ना, जब तुमने होस्ट संभाला है, तो मैंने जो लेट अपनी स्कूलिंग की है वहाँ से की है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, हमारी जहाँ मेरा घर था, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा इकोसिस्टम ग्रो कर रहा था वहाँ पे, जो बाद में अब पता लगता है। तो हमारे 2-3 दोस्त थे मेरे साथ, सो इवेंचुअली दे ऑल्सो गॉट लाइक अपना प्रोजेक्ट्स में उनका आ गया। सो दिल्ली में क्या कहते हैं, रॉन्डेवू किया हमने बहुत सालों बाद, बट कट टू जब इट ऑल वॉज स्टार्टिंग पहले। तो भाई बंदे, तो हमारे क्या कहते हैं, सामने को मेडिकल कॉलेज होता था एक, तो मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर होते थे जो वहाँ पे रूम लेके रह रहे थे, सो यूज टू प्ले गिटार। तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ये था ना, भैया कोई गिटार बजा रहा है। उस टाइम यूज टू प्ले लाइक लॉट ऑफ कूल स्टफ, लॉट ऑफ क्लासिक्स एंड ऑल ना, कूल चीज है यार ये तो, मतलब ये तो जिसने भी गिटार पिक किया है तो इनिशियली तो इसीलिए पिक किया ना कि इंट्रीग हो गया कि बड़ी कूल चीज है, इट्स वेरी कूल, लाइक व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट, ओ इफ आई कैन प्ले इट नाइस, कितना सही होगा इफ आई कैन आल्सो प्ले इट। तो मैंने इस चक्कर में उठाया, फिर तो जी लग गई। जब प्ले करना शुरू किया ना, मैंने उन्हीं से बोला, मैंने कहा सिखाओ मुझे भी, तो अकूस्टिक गिटार में लेके आया, मैंने उठाया, मैंने सीखना शुरू किया, तो जी लग गई। वहां पे आधे लोग छोड़ देते हैं, आई एम श्योर यू लग रही, जब वो टिप्स पे लगना शुरू होता है ना। पंडित जी, इट्स द सेम थिंग यू नो, नाउ व्हाई डू पीपल लीव इट, बिकॉज़ वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। यस, वंस यू एम्ब्रेस दैट पेन, या कि आई वांट दिस पेन, यस, शायद मे बी दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू क्रॉस्ड, राइट? वो थिन लाइन है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक ओके अब यूकेलेले उठा लो, इसमें दर्द नहीं होता, गिटार तो क्यों उठाना। Bro, ukulele बड़ा tough instrument है। नहीं, अच्छा instrument है, बट दर्द नहीं होता ना उंगलियों में भाई। ऐसा मत को। नहीं होता उंगलियों में दर्द यार। होता है, पूरा दर्द। या शायद हम बजाते हैं तो शायद इसलिए नहीं लगता। हाँ नहीं, actually हमें since it's a savage हो गया तो। कोई बात नहीं यार, इतना तो it's कहने का पूरा हक है, but it is another world ukulele। Agreed. हाँ, agreed. I'd say the maximum number of people who are playing the people that you're hearing. Play that instrument is you could say borderline cliche, but it's no, I'm not saying it's a bad instrument. It's a very good instrument, yaar. No. मैंने भी नहीं कहा. हाँ. बस मैं कह रहा हूँ कि वो छोटा दिखता है. दिखता है, वो है नहीं. वो छोटे मियाँ खतरनाक है, बहुत खतरनाक है. हाँ. So भाई अब वो दर्द होना शुरू हो जाता है तो फिर तो इंसान छोड़ देता है ना यार. तो मैंने नहीं छोड़ा, औरों ने भी नहीं छोड़ा. औरों ने नहीं छोड़ा तो मैंने नहीं छोड़ा, बेइज्जती हो जाएगी. तो फिर वहां से हुआ था भाई सिस्टम स्टार्ट. और वहां से 6 और लोग थे मेरे साथ. अब मुझे लगा सब छोड़ देंगे भाई, बट नहीं छोड़ा किसी ने. सब अपना अपना, अब हम देखो, अब आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड, अब व्हेन वी टूर,
दिल्ली है, बॉम्बे है, वहां मिलते हैं सब। और एक हमारे दोस्त हैं, यू ऑल्सो नो हिम, कार्तिक, कार्तिक है, द गाय वाज लिविंग इन गोवा, या सो ही वाज माय नेबर। एंड देन हम, हमारी ऑलमोस्ट एक साथ स्टार्ट हुई थी जर्नी एक छोटे से शहर से। सो वहां से देखो अब आप, ही इज ऑल्सो लाइक प्लेइंग विद लकी अली नाउ। तो बहुत भारी नाम ले दिया आपने। बड़ी स्मॉल वर्ल्ड एंड स्मॉल थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ वेर यू डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है, बट उसका बहुत बिगर रीजन है। अब जैसे मेरी माता जी इस कमरे में जबरदस्ती दो सोफे ले आई, फूल वाले, हु न्यू कि इसको कुछ लोग देख रहे होंगे और इस पे एक पॉडकास्ट का बड़ा सही एक माहौल बैठेगा। मैंने भी नहीं सोचा था अंकल, मैं जॉगिंग करते हुए सोच रहा था कुछ हुआ। पंडित जी, यू आर प्लेइंग विद दैट बॉय रॉबी, यू हैव ऑल्सो प्लेड विद सुतेज सिंह, एंड आई वुड से अ वेरी इंटेग्रल पार्ट इन सुतेज सिंह लाइफ सेट। यू हैव प्लेड विद शुभांग शर्मा, शुभांग शर्मा इज ऑल्सो टू बी गेस्ट हेयर एंड अ कल्ट म्यूजिक फिगर इन हिमाचल। हाउ इज द म्यूजिकल जर्नी सो फार? अमेजिंग। एज अ बैंड मेट, आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग टू यू। थोड़ा कहते हैं मेरे दोस्त की मेरी तारीफ यहाँ जुबान के पास पड़ी होती है, योर बेस प्लेइंग इज वन ऑफ माय, इट्स ऑब्वियसली एन एसेट टू द बैंड, एंड इट्स सो, द वे यू प्ले इज सो फॉर द सॉन्ग, लाइक कि वो गाना ऐसे उभर के आता है कि हम जब सोचते हैं, मैं और पार्थ सोचते हैं कि अच्छा इसमें बेस लाइन आनी है, हमारे दिमाग में होता है ओह दैट्स सॉर्टेड, हमारा यहाँ पंडित जी बैठे हैं, ही इज गोना किल इट। ऑब्वियसली हमारी ये वाइब होती है। सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर बेस प्लेइंग, योर द वे यू कंडक्ट योर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द पेडल्स दैट यू हैव, द वे यू आर डायरेक्टिंग योर साउंड ऑफ योर, द वे यू यूजिंग योर फिंगर्स, आई एम अ ह्यूज फैन। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। थैंक्स। मे बी आई हैव सेड इट फॉर द 102nd टाइम, बट इट्स ओके, इट्स ओके। वन एक तो माइक पे भी बनता है बोलना। बिल्कुल नहीं, बड़ी ये दिल से ब्रो, दिल से है। और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई ये लाइकवाइज तो है ही है, बट इंस्पिरेशन आती है जिनके साथ यू प्ले, सो यू हैव आल्सो बीन अ इंटीग्रल इंस्पिरेशन इन द होल जर्नी। मेनी वुड नॉट नो कि भाई आई नो दिस गाय फॉर लाइक लास्ट 10 years, पिछले 10 साल से तो नहीं, मतलब 8-9 साल से आई नो यू, पिछले 8-9 साल से। सो इनिशियली हम कॉलेज में जब होते थे, मैं और सुतेज, सो हम चंडीगढ़ आते थे, हमारा कॉलेज यहाँ नहीं था, अम्बाला में था। तो हम चंडीगढ़ आ रहे हैं, कोई शो है, कोई जैम है या कुछ है, तो भैया कहाँ पे हैं, अच्छा आ जाओ भैया हमारा शो है देखने आ जाओ। तो हम जा रहे हैं, भैया आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, एंड देन ओके हाँ भैया कहाँ रहना है तुमको, जैम करना है, अच्छा हाँ यहाँ पे जैम पैड है, यहाँ कर लो ब्रो, ऑल पेड फॉर, ऑल एवरीथिंग डन, तुम्हें टेंशन नहीं लो, जितना जैम करना है करो, और अच्छा हाँ फिर तुमको रहना है, अच्छा वहाँ मैंने करा दिया है तुम रह लो, अच्छा यहाँ पे ये है, ये खाना तुम्हारा सॉर्टेड है, मेरे यहाँ आ जाओ, ये सब मैं तुमको छोड़ने जा रहा हूँ वापस, कोई बात नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स ही इज डन, लाइक मतलब आज अब देखो अगर तुम पीछे 7-8 साल कि भैया हाँ भैया क्या मतलब, वॉट ऑल सिचुएशंस एंड फैक्टर्स लेड टू वॉट वी आर डूइंग आज, तो वो बहुत एक इंटीग्रल पार्ट है। और ये मतलब मैं आई वुड, मैंने बात करी हुई है इस बारे में, बट ये माइक पे बोलना भैया जरूरी है एक बार, तो और ये मैंने जिंदगी में दूसरी बार कैटलिस्ट है और या नोटिस नहीं है भाई, और मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ये चीजें करते हैं सेल्फलेसली। नहीं पता क्या था, इट वाज मोर ऑफ अ डूइंग ऑफ अ फैन, मतलब मेरे को ये था कि देयर आर सो मेनी फैंस हु डोंट डू इट, आई लाइक दीस गाइस एंड दीस गाइस आर नॉट एबल टू जैम, इनका म्यूजिक जीएफ है, इनको भाई इनको जरा माइक सेट कर लो, परफेक्ट, इनको तो मैं जितनी भी हेल्प कर सकूं उतना कम है यार, क्योंकि मुझे ये म्यूजिक सुनना है। इट वाज मोर ऑफ अ सेल्फिश रीजन कि आई वांट, व्हेनेवर यू गाइस वर प्लेइंग लाइव आई वांटेड टू बी देयर, अगर तुम लोग प्रैक्टिस ना करते शायद तुम जैम ना करते, शायद तुम लाइव ना जा रहे होते, मेरा बड़ा सेल्फिश रीजन था। बिल्कुल कि आई लाइक दिस म्यूजिक एंड दिस म्यूजिक शुड बी आउट देयर। सेल्फलेसली सेल्फिश या और बड़ा मतलब भाई कोई नहीं करता यार आज के टाइम में, तो
नहीं नहीं सब करते पंडित जी। कौन करता है? सब करते हैं। पौड़ा मतलब आजकल वो सब पेट्रियन वाला सिस्टम हो जाता है। कौन सा? जो तुम्हारा इफ फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड चैनल और समथिंग पीपल विल पे यू फॉर दैट ऐसा कुछ क्या होता है? बिकॉज़ दे वांट टू सी इट। या सो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग राइट? या अपनी मिनिमल डोनेशन से यू आर हेल्पिंग समबडी ग्रो अप। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आईडिया। इट्स अ ग्रेट आईडिया। ग्रेट आईडिया। वैसे आई पर्सनली मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि यार अगर कुछ करना है तुम क्या किसी से मांग रहे हो। मेरा एक ये है कि अपना खुद करो। हाँ, होता तो यही है। मेरा तो मेरा पर्सनली करना तो यही चाहिए भाई।